हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर शुरू करते हैं न्यू रेसिपी का साथ, रिंग अनियन टेम्पुरा। तो है तो जापानीज रेसिपी है, तो वन टाइप ऑफ पकौड़ा ही है, तो वेज नॉनवेज सब बना सकते हैं। उसको हम रिंग अनियन का प्रोसेस दिखाता हूँ तो इजी मेथड से। तो चलिए उसके लिए हमको क्या क्या इंग्रीडियंट की जरूरत है दिखाता है, देन फिर शुरू करेंगे उसका प्रोसेस। सबसे पहले हमको चाहिए फाइन चॉप जिंजर, फाइन चॉप गार्लिक, फाइन चॉप ग्रीन चिली, रिंग अनियन। इस तरह रिंग काट लेना है थोड़ा तो चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा। ये हमारा कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, ये हमारा राइस पाउडर है। उसके बाद हमको चाहिए उसमें व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, टेम्पुरा पाउडर, सॉल्ट, चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दोनों मैरिनेशन में काम में आएगा। ये हमने सब ले लिया है मिजा, तो उसका शुरू करते हैं मेथड। सबसे पहले हमने कर लेते हैं ओनियन को मैरिनेट, देन उसको बैटर को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फ्राई दिखाएंगे। तो हमने ले लिया है ये रिंग ऑनियन, तो उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, थोड़ा सा चिली पेस्ट, इनको मिला लेंगे बढ़िया से। हमारा ऑनियन मैरिनेट हो चुका है, उसमें मार करने कॉर्नफ्लोर, क्योंकि सॉल्ट डाल दिए हैं नहीं तो पानी निकल जाएगा, इसलिए इसको ड्राई करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद उसको प्लेट में निकाल लेना है, फिर उसमें बनाएंगे हम बैटर। बैटर बनने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, एक कप कॉर्नफ्लोर, एक कप मैदा ले लीजिए। इसमें हमारा राइस पाउडर होममेड, देन हम ऐड करेंगे उसमें चॉप जिंजर, फाइन चॉप गार्लिक, और ये फाइन चॉप ग्रीन चिली। फिर हम ऐड करेंगे उसमें सॉल्ट, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, फिर उसको मिला लेंगे बढ़िया से। इसमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे, एक टेबलस्पून रिफाइन ऑयल, ये ओनली फॉर क्रिस्पीनेस के लिए। फिर और एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में इसमें फुलाता है तो रिंग हमारा अच्छा से दिखने लगेगा। तो हमारे कल बेकिंग पाउडर कंपलसरी चाहिए ही। अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा में ऑलरेडी हमारे इंग्रेडिएंट मिला दिया, अभी ऐड करेंगे पानी। पानी ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाइए, पहले से अगर ज़्यादा डालेंगे फिर बैटर बनने में तकलीफ होगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसे आटा गूंदना है जैसा, ऐसे ही पहले मिलाइए, पहले सबको मिला लीजिए, फिर जितना पानी मांगता है उतना डाल के मिलाने का है। ऐसे ही पानी मिला के बढ़िया से फेंटना है उसको, ऑल टुगेदर मिक्स करना है। और एक बात बोलने भूल गया दोस्तों, उसमें आप आइस क्यूब भी डाल के उसको बेटर बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ विदाउट आइस क्यूब से, तो सबसे आसान तरीका है, बेटर बनेगा आइस क्यूब विदाउट आइस क्यूब से भी। तो इसको फॉलो कीजिए, देखिए अगर कुछ आपको मेथड में कुछ गड़बड़ भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा बेटर बन के तैयार हो गया, ऐसे गाढ़ा बेटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला बनाएंगे तो फिर ऑनियन में बेटर लगेगा नहीं। तो ऐसे पूरा गाढ़ा बेटर बना लीजिए, फिर उसको फ्राई करेंगे। अभी हमने ऑयल ले लिया है वर्क में, बैटर हमारा रेडी हो चुका है, ऑनियन मैरिनेशन रेडी है,
एंड अभी फ्राई करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे फ्राई किया। स्लो मीडियम में फ्लेम में फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया स्टिक, इसका मदद से क्या होगा कि नहीं, आपका जो रिंग ऊपर फिनिशिंग से बनेगा, आप हाथ से डालेंगे तो ऑयल कचरा हो जाएगा, हाथ के ऊपर कचरा रहेगा, तो इसका मदद से आप फिनिशिंग पूरा बना सकते हैं। ऐसे ही कर लीजिए, देन उसको डालिए। हमने भी एक एक पीस फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो एक साथ में सब लेके भी फ्राई कर सकते हैं। ये हमारा ऑल हमने एक एक करके सब डाल चुका है, अभी और दो चार पीस बचा है, देन हमारा रेडी हो जाएगा। अभी मिक्सी रिंग ऑनियन टेम्पूरा, देन उसको बताएंगे कैसे सर्व करता है, उसको बताएंगे। तो अब ऐसे नया नया रेसिपी देखते रहिए, मज़ा लीजिए, और हमारा रेसिपी कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज़ यार। इतना मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ बना रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बनाने का मज़ा भी नहीं आएगा यार, एक एक सपोर्ट मिलेगा ना तो इससे भी और अच्छा अच्छा करने का मोटिवेट मिलेगा यार। प्लीज़ यार एक लाइक एक सब्सक्राइब तक कहिए जरूर, और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम है क्या सही है। अच्छा भी लग रहा है तो गुड कमेंट दीजिए, ख़राब भी लग रहा है ख़राब कमेंट दीजिए, पता कैसे चलेगा मुझे। तो प्लीज़ यार आप लोग का दुआ ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। हमारा टेम्पूरा अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अभी करते हैं ऑयल से रिमूव, या उसको करेंगे प्लेटिंग का शुरुआत, फिर बताते हैं उसको कैसे क्या खाएँगे, किसके साथ खाएँगे, कैसा सब किया जाता है सब बताएँगे। अभी हमारा टेम्पूरा फ्राई हो गया, उसमें डाल रहे हैं थोड़ा टेम्पूरा पाउडर, ओके, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, स्पाइसी सॉल्टी, फिर मज़ा लेना है ऐसा। फिर उसको हम करते हैं प्लेटिंग, प्लेटिंग करने में हम ले लिया एक प्लेट, तो ना हम ये इसको लिए हैं, इसको साथ में खाने के लिए स्वीट चिली सॉस में हम डालेंगे ये चाइनीज सलाद, क्योंकि ये स्टार्टर बेस में जा रहा है तो हम थोड़ा सलाद ऐड करें उसका साथ में। तो सलाद कुछ नहीं, इजी प्रोसेस है, सलाद का रेसिपी किसी दिन दिखा दूंगा आपको। तो ये हमारा सॉस और सलाद आ चुका है, फिर हम उसको करेंगे प्लेटिंग, प्लेटिंग में ऐसे ही ऑनियन को डालते रहिए। हमारा रिंग ऑनियन टेम्पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसको हम किसी भी साइड डिश में ले सकते हैं, जैसे प्रॉन टेम्पूरा हो गया, गोल्डन फ्राइड प्रॉन हो गया, उसका साइड में ले सकते हैं, या किसी स्नैक्स जैसा यूज कर सकते हैं टी का साथ, या आप किसी मैनकोस का साथ भी उसको साइड डिश किसी यूज में मतलब ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को लेना है, उसका चाय ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं जो समझे आप। तो खाने में बड़ी मस्त लगा, तो आप ऐसे बनाते रहिए खाते रहिए। अगर ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यही मेरा विनती है आप सबसे। तो आप तो देख लिए कैसे बनाना है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं और एक न्यू रेसिपी। तो अभी के लिए जय जगन्नाथ।